ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज। नमस्कार, टाटा ब्लूस्कोप स्टील तर्फे सर्वांचं स्वागत। टाटा ब्लूस्कोप स्टीलचे जमशेदपूरमध्ये एक प्लांट आहे, अंगूल आणि खोपोली इथंसुद्धा प्लांट आहे की जिथं आम्ही ॲक्च्युली कलर कोटेड स्टील बनवतो। कलर कोटेड स्टीलचा वापर हा रंगीत पत्रे याच्यासाठी मार्केटमध्ये केला जातो। संपूर्ण भारतामध्ये 7 ठिकाणी वेगवेगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉडक्शन सेंटर्स आमचे आहेत आणि आज आम्ही जे इथं लोकार्पणाचा कार्यक्रम करतो आहे तो म्हणजे इंटरनल न्यूजलेटर हे पूर्ण इंडस्ट्रीसाठी, रूफिंग इंडस्ट्रीजच्यासाठी, ज्याच्यामध्ये एक्सपर्ट इंडस्ट्री आम्ही ब्रॉडली बघायला गेलं तर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसमध्ये आहोत आणि याच याला अनुसरून शेल्टर फॉर ऑल हा कन्सेप्टसुद्धा आम्ही आत्ता सध्या कंपनीमध्ये ड्राईव्ह करतो आहे। नुसतं छत नाही तर त्या छताबरोबर सोल्युशन्स द्यायचे आणि फक्त शेल्टर म्हणजे फक्त पत्रे आणि वरचं रूफ हे नसताना संपूर्ण सोल्युशन द्यायचं आणि शेल्टर फॉर ऑल म्हणजे मग त्याच्यामध्ये रेसिडेन्शियल्स येतील, निवासी येतील, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स येतील, एअरपोर्ट्स आहेत, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स आहेत, हे संपूर्णपणे हे या संपूर्ण इनिशिएटिव्हच्या अंडर कव्हर केले जातील। हा आजचा प्रोग्रामचा महत्त्वाचा उद्देश आहे। अच्छा, सो जैसा की मिस्टर सी आर कुलकर्णीने बताया, हमारा टाटा ब्लूस्कोप स्टील जो हमारे कलर कोटेड प्रोडक्ट के एरिया में जो इंडस्ट्री है, सो ये हम लोग हमारा एक्चुअली लार्जर मिशन है टू यू नो टू अलाइन ऑल आर यू नो एक्टिविटीज़ विथ लार्जर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर ऑल। जैसा इन्होंने बताया, जब हम कहते हैं शेल्टर फॉर ऑल या आश्रय, सो इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू, ये केवल अपने लोगों के तक नहीं लिमिटेड है, इसके बियॉन्ड भी जाता है। जब हम कहते हैं, जब एनिमल हस्बेंड्री है तो उसके लिए शेड्स हुए हैं हमारे। अगर हम कम्युनिटी में जाते हैं, सो मान लीजिए कुछ ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उनके शेल्टर के लिए हमारे बहुत कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक जूलॉजिकल गार्डन है तो वहाँ पे काफ़ी सारे होता है ना, पक्षी, पशु। सो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू आई वुड से पीपल पर से, इट इज़ आई मीन इट गोज बियॉन्ड दी कवरिंग इंडिया। यस ऑफ कोर्स, एंड ये हो ये तो है, और इस दिशा में हम लोग अभी काफ़ी काम कर रहे हैं और हर एक्टिविटी, हर इनिशिएटिव को हम चाह रहे हैं कि ये लार्जर पर्पस से अलाइन करें और नेचुरली इंडिया के ग्रोथ में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें। ये आज का जो लॉन्च है, ये बेसिकली सब हर इनिशिएटिव्स विल कम अंडर दिस प्रारंभ इनिशिएटिव्स, सो दैट इज बेसिकली मोर ऑफ अ personification of all events will be under this umbrella initiative for ye. Aur aage thoda sa kitne iske targets vagera kaise rehne hain, kitna pan india nahi, abhi bahut sare isme initiatives rahenge magar numbers as such aise nahi hai, magar usi ke andar hamare company ka vistar वो भी एक इनिशिएटिव हो सकता है। अलग इनिशिएटिव्स वेरियस उसके वजह से इंडस्ट्री रिलेटेड होंगे, वो भी इसी इनिशिएटिव्स के अंदर आ जाएंगे। तो आज हम लोग, एक बड़ा दिन है हम लोग के लिए, टुडे इज अ बिग डे फॉर अस बिकॉज वी आर लॉन्चिंग आवर एक्सटर्नल न्यूज लेटर विच इज फॉर विच द इवेंट इज नोन एज प्रारंभ। हम आरम्भ कर रहे हैं, एक नई इनिशिएटिव आरम्भ करने वाले हैं। एक्चुअली टाटा ब्लूस्कोप स्टील, जैसा आप सबको बताया, ये इक्वल जॉइंट वेंचर है टाटा स्टील और ब्लूस्कोप स्टील ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें बहुत सारी जो ये ब्लूस्कोप पहली कंपनी थी जिसने स्टील में वैल्यू ऐड करना का टेक्नोलॉजी लेके आए थे, और वही टेक्नोलॉजी टाटा स्टील के साथ हम लोग इंडिया में लेके आए हैं। और अब हमें यहाँ पे मतलब करीब 18 साल हो चुके हैं यहाँ भारत में आके, और इसमें हमने बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने अपना योगदान दिया। वी हैव कंट्रीब्यूटेड इन लॉट ऑफ सेक्टर्स, लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स वर ड्रिवन, एंड लेटेस्ट अमंग दैट इज शेल्टर फॉर ऑल, जिसे हम छत सबकी कहते हैं। इसमें हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि छत सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या इवन मशीन हो, सबके लिए ज़रूरी है।
और उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। और एक इनिशिएटिव वो उसकी तरफ जैसे हम लोग उसकी तरफ हम लोग उसका एक ध्यान देना चाह रहे हैं, और ये सबका एक तरह से हक है कि उसकी एक अच्छी छत होनी चाहिए। और इसमें हम लोगों ने शेल्टर फॉर हम जब कहते हैं तो इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स जो लाए हैं ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। ये इस समय जैसे अगर हम बात करें बिल्डिंग बनाते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको कोई नुकसान नहीं होता है, ज़मीन में इसमें पानी जाता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन बहुत होती है। और अगर आप जो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की हुई है कि जिसे हम थर्मोटेक टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें आप बहुत सारे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इंजीनियरिंग हमारा बहुत ही सुपीरियर इंजीनियरिंग से हम बिल्डिंग ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं। हम अगर CSR इनिशिएटिव करते हैं, कुछ हमने स्कूल्स की बिल्डिंग्स भी अगर जैसे हमने बनवा के दी हुई हैं, उसमें ये चीज़ ध्यान देते हैं कि सेफ्टी जैसे हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होता है, यूज़र के लिए सेफ्टी, उसके यूज़र फ्रेंडलीनेस बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारा एक अभी रिसेंटली हमने पौंड में हमने योगदान दिया था, एक इनिशिएटिव था एक गाँव में दिया था जहाँ पे बहुत दिक्कत था पानी स्टोर करने की, हमने पौंड बना के दिया था, उनको सिर्फ पौंड चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि पौंड ना सिर्फ पौंड हो बल्कि एक तरह से अच्छा सेफ पौंड हो जहाँ पे लोग गिरे ना करके। तो सेफ्टी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कंट्री के लिए, इट्स एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप देखेंगे ये लोग कौन होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ये ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ये ज़्यादातर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये लोग ट्रेंड नहीं होते हैं, ये लोग वन टाइम क्रॉप वाले ग्रोअर होते हैं। जब इनकी ग्रो हो जाती है पूरी तो ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने आते हैं। और बहुत बार क्या होता है, ये इन्हें छत ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे इन्हें डिप्यूट कर दिया जाता है। तो हमने एक हमने सर्वे करवाया था एक एजेंसी के थ्रू टू अंडरस्टैंड ये लोग कौन है, ये वर्कर लोग कौन है और उनकी नीड्स क्या है। तो हमें लगा कि स्किल डेवलपमेंट इनकी बहुत बड़ी नीड है, इन लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऊंचाई पे कैसे काम किया जाता है। टूल्स टैकल्स जो होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल टूल होता है या जो शार्प टूल्स होते हैं, या ऊपर से क्या क्या खतरा हो सकता है। तो हमने एक संस्था है भारत सरकार की, CIDC जिसे कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है और इसमें चार मिनिस्ट्रीज इसके पार्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट है, ये इसके पार्ट हैं ये CIDC के। ये लोग ऑलरेडी ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन।